हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज के न्यूज़पेपर में केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसी को लेकर एक अपडेट आया है, जो कि मैंने पहले भी वीडियो बनाकर आपको बता दिया था। एक्चुअली वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि सरकार के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर बने। अब बोलोगे कि क्या मोदी जी मेरी वीडियो देखते हैं? बिल्कुल नहीं, आप देखते हो और आप वोट डालते हो, क्योंकि वोट के लिए मोदी जी को आपके पास आना होगा। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा कि 4 साल से वैकेंसी की जो आने वाली है वैकेंसी, वो लटकी हुई है, वैकेंसी आ नहीं रही है। तो ऐसे में आप जो है ट्विटर पे या फेसबुक पे तो प्रोग्राम चलाते ही हो, तो देख लीजिए एक्चुअली न्यूज़पेपर में क्या क्या बातें दी गई है, वो मैं आपको क्लियर करके बता दूंगा। उससे पहले यहाँ से मेरी ईमेल आईडी और इंस्टा आईडी देख लीजिए। जिन्हें भी KBS के टेस्ट पेपर चाहिए होंगे, मॉडल पेपर, जिससे वो देख सकें कि उनकी तैयारी कैसी है, सिर्फ PRT के लिए है ये। और अगर PGT, TGT, PRT के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए, KBS, NBS, DSSSB के सारे पेपर मिल जाएंगे। ये ईमेल आईडी आप यहाँ से देख सकते हो या फिर इंस्टा पे मुझे मैसेज कर सकते हो। अब बात करते हैं 1248 केंद्रीय विद्यालयों में 10,344 पद खाली है। तो देखिए लगभग कितने पद खाली आपको दिख रहे हैं, 10,344। कौन कौन सी पद यहाँ पे खाली हैं देख लीजिए, यहाँ से आप देख पाओगे। देखिए यहाँ पे आप देख पाओगे, यहाँ पे एक अपडेट दी हुई है। वर्तमान में PGT के लिए 1942 पोस्ट खाली है, TGT के लिए 3,850 पद खाली हैं, 3,850, और PRT के लिए जो है 4,552, यानी कि 4,552 वैकेंसीज खाली है। तो देखिए अब वैकेंसी कब आएगी ये तो कहा नहीं जा सकता है। 25 तारीख को जो सूचना अधिकारी धर्मेंद्र पटेल के द्वारा इन्फॉर्मेशन दी गई थी, वो आपको बताई जा रही है। याद रखिए बहुत सारे जो टीचर थे, या तो वो रिटायर कर गए हैं, या कोरोना के दौरान कुछ टीचरों की मृत्यु भी हुई है, जो कि बिल्कुल ही उसे बोल सकते हो आप ये अच्छी खबर नहीं है, लेकिन विद्यालय में टीचरों की तो ज़रूरत है ही। तो ऐसे में देखिए वैकेंसी जल्दी निकलनी चाहिए और ताकि सारे लोग जो है अप्लाई कर पाएँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।